ब्लॉक क्रमांक 3 और 4 से विकास का नया चेहरा जैकी रावलानी। भारी बारिश के कारण तहसील के सभी क्षेत्र के नदी नालों सहित सैकड़ों हेक्टेयर क्षेत्र के फसलों में बड़ी मात्रा में पानी जमा होकर परिसर को तालाब का स्वरूप प्राप्त हुआ है। पिछले कुछ दिनों से तहसील के विभिन्न क्षेत्र में हुई बारिश के कारण फसलें जलमग्न हो गई। क्षतिग्रस्त फसलों के सर्वेक्षण एवं पंचनामे के निर्देश दिए गए है। उक्त निर्देश स्थानीय लाखानूर के तहसीलदार वैभव पवार द्वारा जिला प्रशासन के निर्देशानुसार दिए जाने की जानकारी मिली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वर्ष के तहत पिछले कुछ दिनों से अधिकांश क्षेत्र में धान फसल रोपाई कार्य शुरू किए गए हैं। तहसील के चौरास क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों पूर्व ही कृषि बिजली पंप सिंचाई सुविधा के तहत धान फसल रोपाई तेजी से शुरू की गई थी। इस बीच पिछले 4-5 दिनों से तहसील के विभिन्न क्षेत्र में लगातार झमाझम बारिश होने के कारण तहसील के सभी नदी नाले उफान पर देखे जा रहे हैं, जबकि तहसील के सैकड़ों हेक्टेयर क्षेत्र की फसलें पानी में डूबी हुई है, जिसे किसान परेशान है। इसी बीच लाखानदूर के तहसीलदार वैभव पवार ने राजस्व एवं कृषि कर्मियों को बारिश के कारण खराब हुई फसलों को तुरंत सर्वेक्षण व पंचनामा करने के निर्देश जारी किए हैं।